व्हाट्सअप गाइस, मानो वाला फिर से आ गए रेड शेडो की वीडियो लेके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज फटाक से सब्सक्राइब करो। दोस्तों फिर से करने वाले शार्ट्स को पुल, और ज़्यादा शार्ट नहीं है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। हमारा है 2 times चांस, वो भी भाई कहाँ गया, वॉइड शार्ट्स का। और आई थिंक बेस्ट टाइम आप एक बार के लिए एंशिएंट और सेक्रेट 10 times पे खोल सकते हैं। पर वॉइड शार्ट एक तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल मिलते हैं, जो लोग खरीदते हैं उनको पता भाई वॉइड शार्ट्स तो वैसे भी महंगे आते हैं। और बेस्ट टाइम यही होता है कि 2 times जब भी वॉइड शार्ट आपको खोलने हो तब आप जो है इसी टाइम खोलें, जब ये 1% हो, ना कि कोई 10x या कुछ हो। अनलेस कि आपके पास 100 shards नहीं हैं तो बात अलग है, वरना आई डोंट थिंक कि आपको अपने शार्ट्स और किसी टाइम खोलने चाहिए। तो हमारे पास 60 shards ही हैं। आप जैसे कि बताया था पिछली 2 वीडियो पहले, क्रिस का जब हमारा 10x आया था तो मैंने 5 shards जो है खोल दिए थे और मुझे कुछ भी नहीं मिला था, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने 10x जो है, सॉरी 2x जो है 2 हफ्ते पहले ले आए हैं, और जो हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स जो ख़राब। साथ साथ क्लैन बॉस के अंदर मुझे कोई भी वॉइड शार्ट नहीं मिला, 3 ancient shards मुझे मिले हैं क्लैन बॉस के अंदर, और एक बड़ी ही अच्छी चेस्ट पीस मिला है जो आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। इमॉर्टल का मुझे मिला है और आप यहाँ देख ही सकते हैं, आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ गए। यार HP परसेंट साथ में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। चलिए खोलते हैं अपने शार्ट्स को, और उम्मीद हमें किसकी है, किसी की भी उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ वैसे भी मिलने वाला है, बस 2x चांस है तो मैं अपने जो है वॉइड शार्ट खोलने वाला हूँ। साथ ही साथ खोलते हैं हमारा एक, मैं अपना एंशिएंट शार्ट शायद खोल सकता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो बताता हूँ राउंड फिगर करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ कल हमारा मौका होगा 2x एंशिएंट्स का, तो होपफुली मैं कुछ शार्ट्स कल भी खोलूँगा। चलिए खोलते हैं हमारा एक एंशिएंट खोलते हैं, और मिलेगा एक रेयर जो कि हमारे कुछ काम नहीं आएगा। ये हमारा जाएगा आई थिंक क्या कहते हैं, होपफुली डूप सिस्टम में काम आएगा। चलिए खोलते हैं वॉइड शार्ट्स और देखते हैं क्या मिलता है हमें। बेस्ट चैंपियन जो मुझे चाहिए आई थिंक शायद क्रिस को होगा, और वो जो लायन सा चैंपियन है वो मिल जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर मेरे को उसको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्रिस ही मुझे शायद चाहिए। तो भाई कौन है भाई, नहीं चाहिए भाई मुझे कोई बढ़िया सा। अगर एपिक नहीं मिला तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, या लेजेंडरी तो भाई उम्मीद है ही नहीं। 2 खोलें और हैरियर, भाई हैरियर लंबे बालों जुल्फों वाले अंकल हमारे, जिसको कोई भी नहीं पूछता भाई, फिर भी इसकी रेटिंग अच्छी है। ओके नेक्स्ट बोलते हैं क्या मिलेगा हमें, क्या हमें 2 epic मिल सकते हैं 7 shards के अंदर। आई डोंट थिंक सो। फिर से आ गई क्या भाई साहब, 7 shards में भी 2 rare duplicate। माय गॉड भाई, इसको मैं लगाने वाला हूँ, हमारी सीधी की सीधी ये जाएगी हमारे गार्जियन सेट के अंदर। आई थिंक बारबेरियंस का है, तो बारबेरियंस का मेरे पास एक ही रेयर है, यस, जो मैं इन दोनों को यहाँ लगाने वाला हूँ। चलिए एक अच्छी बात है, 10% मेरा अटैक जो है वो बढ़ जाएगा। ओके और शॉट्स खोलते हैं, और एक एपिक तो 100% मिलेगा भाई, 100% मेरा ये एपिक होगा, 100%। व्हाट द हेल मैन भाई, 2x में नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे। और व्हाट द हेल, इरिफ्ट मार्किस भाई, मैं क्या करूं, नहीं क्या करूं मुझे बताओ। वैसे मेरी होप्स बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं कि भाई 2-4 charts के अंदर ही करोड़ों हमें मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मार्कोलिस भाई, कोलिस नो, लास्ट हमारा वाइट चार्ट है, और हम इसको भी खोल लेते हैं, और 7 में से 7 rare आए, और उसके अंदर भी डुप्लीकेट हैरियर। ओ फिश मैन भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं मिला, पर चलिए कोई बात नहीं, डुप्लीकेट रेयर्स हमें मिल गए हैं जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारे डूप सिस्टम के अंदर। तो हर चैंपियन को मैं असेंड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये डूप सिस्टम के अंदर मुझे यूज़ करना है, गलती से मैं इन चैंपियंस को जो हूँ यूज़ ना कर लूँ, तो इसलिए मैं हर चैंपियन को असेंड कर देता हूँ लेवल 1 पे, ताकि हमें पता चलता रहे। तो आई थिंक दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया जो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।